बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं समर स्पेशल बनाना ट्रीट, जो कि बहुत मज़े की बनती है और समर में तो ये ज़रूर बनाएं। इसका तासीर बहुत ठंडा होता है और जब ज़्यादा गर्मी होती है तो कुछ ठंडा ठंडा मीठा मीठा खाने को मिले ना तो गर्मी की शिद्दत ख़त्म हो जाती है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब हम बनाना शुरू करते हैं। पैन में ये वाला कप भर के मैंने पानी ऐड किया है। इस कप में 2 कप पानी आता है और हाफ कप इसमें शक्कर ऐड कर रही हूँ। आप ब्राउन शुगर भी ऐड कर सकते हैं, गुड़ भी ऐड कर सकते हैं। मैं शक्कर ऐड कर रही हूँ। इसको मैं मीडियम फ्लेम पे रखने लगी हूँ। ये देखें, ये एक बनाना मैंने लिया, ये इस तरह का कलर इसका ग्रीन। इसका मैं अब छिलका उतारती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने ये ग्रीन बनाना लिया, आप येलो वाला भी ले सकते हैं। अब इसकी कटिंग करती हूँ। ये देखें, मैंने बनाना की कटिंग कर ली है। ये देखें, शक्कर जो मैंने रखी थी वो मेल्ट हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बनाना। बनाना ऐड करके मिक्स करके इसको कवर करके कुक होने के लिए रखती हूँ। ये देखें, बनाना को कुक होते हुए 2 मिनट हुए हैं, तो 2 से 3 मिनट इसको मैं और कुक करूँगी। ये देखें, ये जो ऊपर झाग आ रही है ना, ये इस तरह हम निकाल लेंगे। ये देखें, 5 मिनट हो गए हैं इसको रखे हुए। मैं ऐड कर रही हूँ 2 ड्रॉप्स वनीला हसंट, वनीला फ्लेवर, बनाना फ्लेवर भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें, ये साबुदाना ये ऐड कर रही हूँ। देखें, साबुदाना ऐड करके 2 से 3 मिनट मैंने इसको हाई फ्लेम पे कुक किया बनाना के साथ। अब मैं फ्लेम ऑफ करती हूँ। ये देखें, इसको मैं अब साइड पे रखती हूँ ठंडा होने के लिए। ठंडा होके ये थिक हो जाएगा। अभी ये देखें, इस तरह चम्मच के ऊपर इसका कोट हो रहा है ना, ये देखें, जैसे ये ठंडा होगा तो ये थिक हो जाएगा। ये एक कैन मैंने लिया है कंडेंस मिल्क का। देखिए, इसकी मैंने रैपिंग उतार दी है। अब ये पैन में मैंने पानी रखा हुआ है, इसमें मैं कैन रख 2 घंटे मैं इसको रखूँगी। अगर पानी सूख गया है तो पानी और ऐड कर दूँगी। ये देखिए, कैन रख के इसको मैंने कवर कर दिया। फ्लेम मैंने ऑन की हुई है, हाई फ्लेम पे रखा हुआ है। जैसे ही ये पानी को बॉयल आना शुरू होगा तो मैं फ्लेम को मीडियम एंड लो के मिडल में कर दूँगी। इसको मैंने बॉयल करने के बाद 8 घंटे रखे, 7 से 8 घंटे बाद अब मैं इसको खोलने लगी हूँ। राइट वे इसको नहीं खोलना, ठीक है? अब मैं खोल के आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले ग्लास में हम साबुदाना और बनाना ऐड कर रहे हैं। अब इसमें हम आइस ऐड कर रहे हैं। आइस को क्रश करके ऐड करना है और ज़्यादा सी आइस ऐड करनी है, बर्फ़ ज़्यादा सी ऐड करनी है। अब इसमें हम कंडेंस मिल्क ऐड कर रहे हैं। ये तो हम लंगर मैंने भगो के रखा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक साइड पे ये ऐड कर रही हूँ। अब इसमें मैं थोड़ा सा
ठंडा दूध ऐड कर रही हूँ। ये एक बनाना के साथ मैंने 2 ग्लास बनाए हैं, और ऊपर ये मैंने एक बिस्किट के 2 पीस करके ऐड किए हैं। आप अपनी पसंद की कुकीज़ कोई भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें जी, बनाना समर ट्रीट रेडी है, बहुत ही मज़े की बनी है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए, बनाना समर ट्रीट पसंद आए, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। हाज़िर होते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।